हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में किसी भी ड्राइव को लॉक कैसे करें पासवर्ड से। अगर आप चाहते हैं कि आपके अलावा कोई उस ड्राइव को ना खोल पाए तो आप उस पे पासवर्ड लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगाते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये मेरी ड्राइव है, मैं इसको लॉक करूंगा। तो लॉक करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ड्राइव पे क्लिक करना होगा, राइट क्लिक। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा दोस्तों, टर्न ऑन बिट लॉकर। तो दोस्तों, इस पे आपको टैप करना है। थोड़ा सा वेट करिए, ये इनिशियलाइज हो रहा है। यहाँ पे आप दो तरीके से इसे लॉक कर सकते हैं, या फिर स्मार्ट कार्ड से, या फिर आप इसे पासवर्ड से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड से आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, आपको री एंटर करना है। वही पासवर्ड डालिए जो आपने दिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। यहाँ पे लिखा है इफ यू आर फॉरगेट पासवर्ड, तो अगर आप रिकवरी लेना चाहते हैं तो आप रिकवरी ले सकते हैं, या फिर इसे आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप या फिर सेव टू ए फाइल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल में सेव करूँगा किसी भी। तो यहाँ में मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दूँगा। ओके, दिखाई योर रिकवरी कीज हैज बीन सेट। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यूज डिस्क ड्राइव ओनली या पूरी इंटायर ड्राइव। तो मैं पूरी सारी पूरी ड्राइव को मैं करूँगा, तो नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको न्यू इंक्रिप्शन मोड पे टैप करना है। स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हैं, ये मेरी डिस्क लॉक हो चुकी है। यहाँ पे ये इसमें ये लॉक बन के आ गया है। अब यहाँ पे आप इसको बैक कर दीजिए। यहाँ पे आपको रिकवरी की दिखेगी अगर आप भूल जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे अभी भी आपको एक यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे खुल रहा है। तो आपको फिर से इसमें आपको जाना है मैनेज विट लॉकर पे। यहाँ पे आपको टर्न ऑन ऑटो लॉक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टर्न ऑफ। तो दोस्तों, ये आपका हो चुका है। अब आपको यहाँ पे अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है, उसके बाद आपका ये बिल्कुल वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।